जम्मू के मंडल आयुक्त राघव लंगर बिजली निगमों के चेयरमैन और अन्य नेताओं ने समझौते की जानकारी दी है। राघव लंगर ने बताया कि कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और रात से ही बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहीं हड़ताल का नेतृत्व कर रहे एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव सचिन टिक्कू ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है और 4 पॉइंट पर समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ एंड सभी पीडीडी के मुलाजिम इमीडिएटली अब अपना वर्क रिज्यूम कर रहे हैं और इमीडिएटली उनको हिदायत दी गई है कि रिस्टोरेशन वर्क तत्काल प्रभाव से इसको मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो दुश्वारियां पब्लिक को हो रही थी उनको इमीडिएटली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रिस्टोर हो। और जैसे कि कल भी जिक्र किया गया था, सरकार इम्प्लॉयज़ की पक्षधर है। कल भी हम लोगों ने बताया था कि अधिकतर मांगे जो है वो ऑलरेडी सरकार ने जो है वो मान ली थी और कर्मचारियों के हित के साथ साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना भी बहुत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऑनरेबल एलजी सर की कमिटमेंट है लोगों को और उसके ऊपर जो है हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं वो अब उस पर काम करेंगे। वो हमारी स्ट्रेंथ है हमारे इम्प्लॉयज़। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है पूरे मुल्क में। क्या सभी मांगे मान ली गई हैं पीडीडी एम्प्लॉयज की? देखिए वो डिटेल्स आपके साथ एमडी साहब और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्प्लॉयज के।